हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई बैंकिंग के नए रूल्स के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों का अकाउंट दो बैंकों में है, दो बैंकों में खाता है, तो आप लोगों को 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, यह आरबीआई के गाइडलाइन है, आरबीआई के नए रूल हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में एक नवीनतम गाइडलाइन प्रस्तुत करी गई है, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों के सभी ग्राहकों के लिए यह जान लेना अनिवार्य है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा इस गाइडलाइन के तहत यदि किसी ग्राहक के पास दो या दो से अधिक बैंक खाता पाया जाता है और इसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अधिक भुगतान करने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे कि आप लोग क्या करें और किस तरीके से आप बच सकते हैं। इस गाइडलाइन का प्रमुख उद्देश्य फर्जी खातों, धोखाधड़ी और अवैध ट्रांजैक्शन को रोकना और प्रतिबंधित करना है। चलिए जानते हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी अपराध जैसी घटनाएँ प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस नए नियम के अनुसार ऐसे नागरिक जिनके पास अधिक खाते मौजूद हैं और उनमें संदिग्ध प्रकार के लेनदेन पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा आपकी बैंक खाते की जाँच की जाती है। आरबीआई की नई गाइडलाइन के तहत मूल रूप से लेनदेन पर सरकार के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है और यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाता है और साथ ही आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपके पास दो बैंक खाता मौजूद हैं तो इसकी जानकारी आरबीआई आपको स्पष्ट करवानी होगी। यानी कि अगर आपके पास दो खाते मौजूद हैं तो इसकी जानकारी आपको आरबीआई को स्पष्ट करवानी अनिवार्य है। आरबीआई की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या फिर अमान्य प्रकार का लेनदेन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर जुर्माना लगने का अधिकार है। यानी कि अगर आप कोई उल्लंघन करते हो, नियमों के खिलाफ जाते हो, तो आप पर जुर्माना लग जाएगा। यह जुर्माना ग्राहक की बैंक खाते में ट्रांजैक्शन के पैटर्न एवं उनकी वैलिडिटी जांचने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बैंकों को भी सतर्कता दी जाती है कि वे ऐसे नागरिकों की बैंक खाते के नियमित रूप से जांच करते रहें। अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो तत्काल सहायता तक जानकारी स्पष्ट करें। जुर्माना की राशि और प्रकृति आरबीआई के द्वारा निर्धारित करी जाती है। कई नागरिक इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि दो बैंक खाता रखने पर गाइडलाइन कैसे जारी हो सकती है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह स्वाभाविक है रूप से उचित नहीं है, लेकिन कई सारे नागरिक अवैध प्रकार की एक्टिविटी के लिए दो बैंक खाता उपयोग करते हैं, जिसको देखते हुए आरबीआई ने ऐसे नागरिकों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। उदाहरण के लिए बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दो खाते खोले जाते हैं जिसमें एक वेतन लिया जाता है और दूसरा लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, तो दूसरा खाता बचत और निवेश के लिए भी उपयोग हो रहा है। इसके अलावा इन खातों में संदिग्ध प्रकार की गतिविधि भी हो सकती है, जिसको देखते हुए आरबीआई का नया नियम लागू किया जाएगा।